नीट, एक उम्मीद, एक होप, एक लड़ाई, 20 लाख बच्चों के अगेंस्ट देश के टॉप मेडिकल कॉलेज में पढ़ने की, और आज एक ऐसे ही कॉलेज की बात। हमारा एम है देश के हर एक इंस्टीट्यूट की इंफॉर्मेशन हर एक बच्चे तक पहुंचाना जिसको उसमें एडमिशन लेना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज की वीडियो हमारी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज लखनऊ के बारे में। सो इन दिस वीडियो विल कवर एवरीथिंग अबाउट दिस मेडिकल कॉलेज। कितने नंबर पे आपको ये मिलेगा, क्या रैंक है इस मेडिकल कॉलेज की, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कट ऑफ क्या है, स्टाइफंड क्या है, बॉन्ड क्या है, हम सब कुछ कवर करने वाले हैं इस मेडिकल कॉलेज के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है जी, अगर हम स्टार्ट करें इस मेडिकल कॉलेज की हाईलाइट से, तो ये मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था 2017 के अंदर। तो लगभग इस मेडिकल कॉलेज को 6 साल हो चुके हैं और ये कम्प्लीटली गवर्नमेंट टाइप का इंस्टीट्यूट है। एफिलिएटेड है ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से एंड ये अप्रूव्ड है नेशनल मेडिकल कमीशन से। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑफर्ड कोर्सेज के बारे में, तो यहाँ पे भैया MBBS है, BSc नर्सिंग है, डॉक्टरेट PG कोर्सेज के अंदर यहाँ पे 18 कोर्सेज अवेलेबल हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट दी सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज, तो यहाँ पे 8 सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज अवेलेबल है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे इसके एड्रेस की, तो भैया लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ, उत्तर प्रदेश के अंदर है। और इस मेडिकल कॉलेज का जो कैंपस है वो 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है फ्रॉम द नियरेस्ट एयरपोर्ट, माफ कीजिएगा, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, एंड लगभग 27 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है फ्रॉम द नियरेस्ट एयरपोर्ट। तो हाईलाइट्स वाइज मुझे ये मेडिकल कॉलेज काफ़ी अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अब हम बात कर लेते हैं MBBS कोर्स के बारे में। तो अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आपको नीट का एंट्रेंस देना पड़ेगा। सो बेसिकली नीट UG कंडक्ट करता है MBBS काउंसलिंग एंड सब कुछ, बेसिकली MBBS में एडमिशन नीट UG के थ्रू ही होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे MBBS सीट्स की, तो 200 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं एंड इन सीट्स के ऊपर जो फीस स्ट्रक्चर है वो 18,000 पर ईयर की रहने वाली है, तो बहुत ही कम है फी, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब जान लेते हैं हम कट ऑफ के बारे में। गाइस, आई हैव सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप जिस भी स्टेट से आते हैं उस स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस की क्या रैंक है, कितने नंबर पे आपको वो मेडिकल कॉलेजेस मिल सकते हैं, ओवरऑल इंडिया में स्टेट में उस मेडिकल कॉलेज की क्या रैंक है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, तो मेरे पास ये सारी डिटेल्स है और मैं आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड करा रहा हूँ मात्र 9 रुपये में, जो कि है एक लेज के पैकेट से भी कम कुछ। तो अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप 9 रुपये अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आ जाइए, सारी डिटेल आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ये जो आपके सामने स्कोर्स है ये ऑल इंडिया काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड के स्कोर्स हैं। सो लेफ्ट में ये सारी कैटेगरीज लिस्टेड है, ये 2022 के स्कोर्स है, ये राइट साइड 2023 के स्कोर्स है। जैसे देखो, अगर हम जनरल कैटेगरी को पिक करें तो 665 नंबर गए थे 2022 के अंदर आउट ऑफ 720, एंड 2023 में यहाँ पे इंक्रीज आता है 5 नंबर का और 670 हो जाते हैं 2023 में आउट ऑफ 720। इसी तरह जैसे अगर हम बात करें ST की, तो 567 नंबर गए थे 2022 में एंड 545 नंबर तो यहाँ पे ड्रॉप आया इस कैटेगरी के अंदर, तो 2023 में 545 रह गए थे। तो इस तरह आप जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हैं, वीडियो को पॉज करिए और ध्यान से समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक चीज मैं बता देता हूँ कि स्कोर्स फर्स्ट राउंड के हैं, तो जो बाद वाले राउंड्स होते हैं उनमें थोड़ा सा ड्रॉप आता है स्कोर्स में, तो 2-4-5 नंबर आप कंसिडर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम स्टेट काउंसलिंग की, तो भैया ये उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड के स्कोर्स हैं, ये 2022 के स्कोर्स हैं, ये 2023 के स्कोर्स हैं। इसी तरह ये लेफ्ट साइड में जो कैटेगरीज हैं सारी की सारी, और बाकी जो बच जाती है वो इधर है। तो जैसे देखो, जनरल को अगर पिक करें तो 652 नंबर गए थे स्टेट काउंसलिंग में 2022 में, एंड 2023 में ये 661 हो गए थे, तो बेसिकली यहाँ पे 8-9 नंबर्स का हाइक आया था थोड़ा सा। इसी तरह जैसे देखो, अगर BC की बात करें तो 647 नंबर थे 2022 में 720 में से, 655 हो गए थे 2023 के अंदर, तो इंक्रीज आया है यहाँ पे। तो इस तरह आप जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हैं, लेकिन वीडियो को पॉज करिए और ध्यान से समझिए, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट ऑन दिस वीडियो, आई ट्राई माई बेस्ट और आई ट्राई 100% टू रिजोल्व योर क्यूरी। सो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, 1000 सब्सक्राइबर्स हमें अचीव करने हैं नेक्स्ट मंथ तक। तो अब बात कर लेते हैं हम कम्युनिटी सपोर्ट की, तो देखो अच्छा ज्ञान व्हाट्सएप के ऊपर भी अवेलेबल है और बहुत सारे फ्यूचर डॉक्टर्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया तो यार ज्वाइन कर लीजिए, आपका बेनिफिट भी है, मेरा भी है, दोनों का बेनिफिट ये है कि कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं हम इस तरह के लोगों की, यानी कि फ्यूचर डॉक्टर्स की। तो अगर अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए यार,
बात कर लेते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये कुछ पिक्स है इस मेडिकल कॉलेज के कैंपस की। तो यार बहुत अच्छी तो पिक मुझे नहीं लग रही है, बट क्या करें यार, इसकी पिक्स अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर आपका एडमिशन होता है तो आप यहाँ पे जाके गूगल पे अपलोड करिएगा इस मेडिकल कॉलेज की पिक्स को। सो बट ओवरऑल जो कैंपस है ना वो कॉम्पैक्टेड है बट काफ़ी अच्छा है। 8-9 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स है, ये वाला अकेडमिक ब्लॉक है जो राइट साइड दिख रहा है। तो कॉम्पैक्टेड है बट काफ़ी अच्छा है इसका कैंपस। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बात कर लेते हैं रैंकिंग की, तो देखो ऑल इंडिया में इस मेडिकल कॉलेज को मिलती है रैंक 44, स्टेट रैंक इस मेडिकल कॉलेज की 2nd। तो रैंक वाइज ये मेडिकल कॉलेज काफ़ी अच्छा है एंड नंबर के हिसाब से भी ये काफ़ी अच्छा है। और आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि एट द एंड एडमिशन तो यार आपको लेना है ना, मुझे थोड़ी लेना है। बात करें अगर हम बॉन्ड एंड स्टाइफंड की, तो देखो बाकी जीएमसीज की तरह यहाँ पे 2 साल का बॉन्ड आपको सर्व करना पड़ेगा, यानी कि रूरल सर्विसेज जो भी होती है उन रूरल कंपल्सरी सर्विसेज को फॉलो करना पड़ेगा फॉर 2 ईयर्स आफ्टर योर MBBS कंप्लीशन। एंड यहाँ पे जो स्टाइफंड मिलेगा वो 17,000 रुपये पर मंथ का मिलने वाला है। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इन 17,000 रुपये से क्या करने वाले हैं। लोगों के छोटे छोटे ड्रीम होते हैं, तो जितना मुझे पता है आपको शुरू के 2-3 महीने नहीं मिलती और फिर उसके बाद स्टाइफंड मिलता है। तो आई थिंक 2 बार मिलता है या 1 बार ही मिलता है, तो 1 बार में आपके पास बड़ी सारी अमाउंट आ जाती है, 1.5-2 लाख के आसपास आ जाती है। तो आप क्या करें, क्या क्या करने वाले इस अमाउंट का जरूर बताएगा। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपको लगता है कि यार वीडियो ने थोड़ी भी हेल्प किया ना, तो भाई वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम।